नमस्कार, हम आ पहुंचे हैं चंडीगढ़ के अंदर और चितकारा यूनिवर्सिटी में। आज हम बात करने वाले हैं वोटिंग के बारे में और हमारा जो ये कारवां है कि वोटिंग प्रतिशत किस तरीके से बढ़ना चाहिए, वो आज आ पहुंचा है चंडीगढ़ में। होंडा टू व्हीलर्स प्रेजेंट्स हैशटैग एक्टिव इंडिया, एक्टिवा की पहल के स्पेशल ललकार एपिसोड में हम इसी के बारे में बात करेंगे। इस कॉन्वर्जेशन का जो सार है वो सार है मुद्दे, और पहला मुद्दा मैं ये उठाने वाला हूं कि चंडीगढ़ में महिला क्या सोचती है, महिलाओं के क्या है मुद्दे, क्या महिला सोचती है, किन मुद्दों पे अभी भी काम करने की जरूरत है। तो आइए हम युवा वोटर से बात करते हैं, महिला वोटर से बात करते हैं। मैं आपसे पूछना चाहूंगा, इस बार पिछली बार चंडीगढ़ में पहली बार एक विमेन एमपी जीती थी, इसके पहले लड़ी तो थी पर भारी मतों से हारी हुई है। मुझे बताइए अभी मेन चंडीगढ़ में महिलाओं के क्या है मुद्दे। महिला चाहती है एम्पावरमेंट जी, कहा जाता है एम्पावरमेंट इज एवरीवेयर, पर हुआ नहीं है जी। कहने में और होने में बहुत फर्क है। तो हम सब अगर इस बार वोट करेंगे तो ये मुद्दा ये है कि इस बार वापस वोट किया जाए या ना किया जाए, बिकॉज जिन आशाओं से किया जाता है जो पूरी नहीं होती वही वजह रह जाती है कि अगली बार जो मतदाता है वो आगे आने से या दोबारा उसी मतदान में जाने से कतराता है। आशा की इन्होंने बात की, और सबसे ज्यादा अगर आशा और उमंग और उत्साह के साथ कोई आता है तो फर्स्ट टाइम वोटर आता है। मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आप पहली बार वोट करेंगे कि वोट कर चुकी हैं, और आप किन मुद्दों को देखते हुए वोट करती हैं? वैसे मैं फर्स्ट टाइम वोट करूंगी और मेरा मुद्दा ये है कि इस बार जो भी गवर्नमेंट आए मैं एक्सपेक्ट कर सकती हूँ कि ये आगे काम हो सकता है। और मेरा जो मेन मोटिव है वो ये है कि जो पॉलिसीज आ रही है उसमें इम्प्लीमेंट्स किस हद तक हो रहे हैं और किस हद तक और होना चाहिए। इम्प्लीमेंटेशन की उन्होंने बात की, बहुत बहुत धन्यवाद। इम्प्लीमेंटेशन की डायनेमिक ट्रैकिंग कैसे हो सकती है, अवेयरनेस कैसे बढ़ सकती है उन्होंने बोला। मैं सर आपसे पूछना चाहूंगा, मैंने जनरली ये देखा है कि जो अगर मैं करूँ पोल बात करूँ तो हम लोग ऊपरी सतह की नॉलेज काफी रखते हैं, हमें खुद पॉलिसीज के बारे में इतना ज्यादा पता नहीं रहता है। मुझे आप बताइए कि आज आप जब क्रॉस घूमते हैं क्या लोग सच में पॉलिसी को देखते हैं, क्या सच में अपने एमपी के काम को देखते हैं, या मान लीजिए कि सोचते हैं कि अरे महिला है तो महिला को वोट करो, अरे हमारी कास्ट का व्यक्ति तो उसको वोट करो, कैसे सोचते हैं यहाँ पे लोग? देखिए, हमारे देश में जो मुझे सबसे बड़ी समस्या इस समय महसूस होती है वो समस्या ये है कि हम लोग जब वोटिंग करते हैं तो जाति, धर्म, लिंग और बहुत सारे अलग अलग पैरामीटर्स बनाते हैं जिनके बेसिस पर हम अपनी वोटिंग की परसेंटेज को काउंट करते हैं, विकास के बारे में हम बात नहीं करते। और एक बात और मैं यहाँ पर कहूंगा, ये नहीं है कि किसी पॉलिटिकल पार्टी को ये काम करना होगा। पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन की जो बात यहाँ पर स्टार्ट हुई है, पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन कभी भी किसी पॉलिटिकल पार्टी, किसी प्रधानमंत्री, किसी एमएलए, किसी एमपी से नहीं, एक आम इंसान से स्टार्ट हुई। बहुत अच्छी बात की। तो तभी मैं कहता हूँ कि पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन इज ऑल्सो अबाउट पब्लिक पार्टिसिपेशन। और एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि चंडीगढ़ के अंदर पिछली बार 74% विमेन वोटिंग टर्नआउट निकला था। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि क्या महिला जब एक मान लीजिए कोई विमेन कैंडिडेट होती है तो जब ज्यादा उत्साहित होती है कि अरे ये विमेन कैंडिडेट है, इतने टाइम से हमने नहीं देखा तो हमें जाके विमेन को सपोर्ट करना चाहिए, कि वो नहीं वेट करती विमेन हो या पुरुष हो, हमें जो काम कर रहा है उसको वोट करना चाहिए या जो हमें सही लगता है वो करना चाहिए? जी बिल्कुल, मेरा मानना यही है कि जब एक विमेन विमेन को देखती है तो वो ज्यादा प्रेफर करती है कि मैं उसको रेस करूं, विमेन रेस विमेन वोट। ओके, विमेन रेस विमेन वोट उन्होंने कहा। मैं आपसे पूछना चाहूंगा, इस बार आप कैसे देखती, क्या युवाओं में आपके आसपास किन मुद्दों के आधार पर चंडीगढ़ में लोग सोच रहे हैं कि महिलाएं पर्टिकुलरली सोच रही हैं कि वोट करना चाहिए? बिकॉज देर आर मेनी आई मीन इश्यूज हैं जो वुमेन से रिलेटेड हैं, तो वो चाहती है कि उनके लिए कोई समवन आए जो उनके लिए स्पीकअप कर सके, उनके अगेंस्ट जो भी हो रहा है, एंड दे मे बी मोर पॉलिसीज जो उनके लिए बनाई जाए जो आज तक बनी ना हो। ओके, और उनके लिए बनाई जाए जो आज तक बनी ना हो। मैं सर से अब पीछे जाऊंगा, सर से पूछूंगा, सर चंडीगढ़ के अंदर एक वेलफेयर बोर्ड भी है, आपको क्या लगता है कि वेलफेयर बोर्ड यहाँ पे काम कर रहे हैं, किस तरीके से ये जो सिटी जो अपनी जानी जाती थी प्लानिंग के लिए और सब इसकी दुआई देती थी कि प्लानिंग हो तो चंडीगढ़ जैसी, तो आप कैसे देखते हैं कि क्या और करने की जरूरत है, इस बार के चुनाव में किन मुद्दे डोमिनेट कर रहे हैं? इस बार के चुनाव में लॉ एंड ऑर्डर की एक दिक्कत आ रही है, चंडीगढ़ में भी कुछ क्राइम के रेट्स आए हैं, और वेलफेयर की बात है, हालांकि चंडीगढ़ में बहुत सारी फैसिलिटीज है, यूनियन टेरिटरी होने के नाते काफी बजट आता है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन के लेवल पे दिक्कतें हैं और लोग अपेक्षा करते हैं अपने एमपी से और अपने जो रिप्रेजेंटेटिव है उनसे, पार्षदों से, कि वो
उनको बेस्ट सुविधाएं दिलाएं, क्योंकि ये जो शहर है वो अपने आप में बहुत बेस्ट प्लान सिटी है और है भी, लेकिन ट्रैफिक और दूसरी जो दिक्कतें आ रही है उनको अभी एड्रेस करना बाकी है। जी, इन्होंने बात की लॉ एंड ऑर्डर की, तो इन्होंने लॉ एंड ऑर्डर की बात की। मैं एक अब मुद्दा उठाना चाहता हूँ कि पिछले साल ही ट्रांसजेंडर को भी एक स्पेसिफिकली हम लोग ने रेकग्नाइज किया था एज थर्ड जेंडर, और उनको भी उतने ही वोटिंग राइट्स मिले हैं। चंडीगढ़ के अंदर 2000 ट्रांसजेंडर है। कौन यहाँ पे मुझे बताना चाहता है, ये थोड़ी सी रोशनी डालना चाहता है कि क्यों आज 2000 ट्रांसजेंडर्स जब चंडीगढ़ के अंदर टोटल रजिस्टर्ड है उसमें से सिर्फ 19 ही वोटिंग के फॉर्म में रजिस्टर्ड है। इसके इसमें ये जो इतना डेफिसिट है, किसी के पास कोई आइडिया कि ऐसा क्यों डेफिसिट है, कोई मुझे बता सकता है यहाँ पे? जी, ट्रांसजेंडर्स का ना सिर्फ वोटिंग के ऊपर है, ट्रांसजेंडर्स को एज सच रिकॉग्निशन मिलना इज अ बिग थिंग फॉर देम। तो ट्रांसजेंडर्स के लिए फॉर देम टू कम आउट एंड से दैट यस आई एम अ ट्रांस, दैट इज अ बिग इशू, लेट अलोन के वो खुद को एज अ ट्रांस रजिस्टर करें और फिर उसके बाद वोट करें। तो इन्होंने बात किया कि जो हमारी सोच है उसमें कुछ कुंठा है, कोई इसमें बता सकते हैं कि इससे हम ओवरकम कैसे कर सकते? लीगली तो हमने प्रोवाइड कर दिया है, पर वो सोसाइटी किस तरीके से उसको एक्सेप्ट करेगी? जी, अगर मैं उस साइड आना चाहूंगा, आप क्या कहना चाहेंगे? मेरे हिसाब से लोगों के प्रति हमें उन्हें प्रॉपर इन्फॉर्मेशन सब कुछ बताना चाहिए कि उनके राइट्स के लिए अवेयर करना चाहिए सबसे पहले। मुझे नहीं लगता आज का यूथ ये चाहता होगा कि उनमें कोई डिफरेंशिएट करे। बहुत बड़ी उन्होंने बात की कि जो यूथ है वो एस्पिरेशनल है, और यूथ एस्पिरेशनल है इसलिए मैं यूथ से पूछूंगा यहाँ पे वोटिंग प्रतिशत कैसे बढ़ा सकते हैं। आप कैसे कहना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? देखिए सर, बोलिए बोलिए। हाँ देखिए, सबसे पहले तो जो वोटिंग प्रतिशत घटने का एक फैक्टर है वो है इतिहास की नॉलेज नहीं है यूथ को, उनको पता ही नहीं है कि किस किन कुर्बानियों से हमें ये पावर मिली है कि हम अपने लोकतंत्र से अपनी सरकार को चुन सकते हैं। ऑप्शन नहीं है, हमारा एक अधिकार है, हमने लड़के पाया है। ये बहुत बड़ी बात उन्होंने बोली, हमने लड़के पाया है। और पंजाब, और अगर आप पंजाब हरियाणा और ये पूरी बेल्ट को देखें, यहाँ पे तो इतनी कुर्बानियां हुई हैं जिसपे इतने सारे आपके पास कहीं ना कहीं अगर आप स्टोरीज सुनेंगे और अगर अपनी हिस्ट्री को जानेंगे तो आप पाएंगे कि ये धरती जो है वो एक इंस्पायरिंग धरती है। और इसीलिए मैं पूछना चाहता हूँ, हमें देखता हूँ कि जो अर्बन यूथ है उसका कंपैरेटिवली क्या उदासीनता रहती है रूरल यूथ के कंपैरिजन में? आप क्या कहना चाहेंगे अगर आपसे पूछता हूं मैं? हाँ, मतलब ऐसा है कि अभी भी वीकेंड्स वगैरह आते हैं तो उसके बाद लोग सोचते हैं कि चलो वोट क्या करना है, जो भी आएगा देखा जाएगा। मतलब इतना लाइटली लिया जा रहा है इस चीज को, और ये बहुत बड़ा इशू है जो लोगों को मतलब लाइटली नहीं लेना चाहिए। उनको समझना चाहिए कि एक वोट भी मतलब मैटर करता है, एक वोट भी मैटर करता है। मैं उधर जाऊंगा, एक और चीज मुझे आप लोग बताइए हाथ करके कि कितने आप में से लोगों को कभी कोई अगर प्रॉब्लम आई है तो आप लोगों ने अपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को कभी कांटेक्ट करने की कोशिश की है? आप में से कोई लोग जानते हैं उनके नंबर क्या है? आप क्या कहना चाहेंगे सर, मुझे आप बताइए। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा MP आसानी से एक्सेसिबल ही नहीं होता है। एक आम इंसान, हम तो चलो ठीक है पढ़े लिखे हैं, पर एक आम इंसान को अगर किसी काम के लिए MP से मिलना है तो वो मिल ही नहीं पाता। मेरी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी दैट इज फतेहगढ़ साहिब, सो लास्ट ईयर इन द लास्ट ईयर इलेक्शन आई आस्क्ड माय MP दैट ऑन सोशल मीडिया दैट इज फेसबुक दैट व्हाई शुड आई वोट फॉर यू, एंड ही रिप्लाइड मी वेरी गुड, बहुत अच्छे से रिप्लाई किया और मैंने वोट डाली जैसे मेरे को सुटेबल लगा। मैं यहाँ पे पूछना चाहूंगा तो आप मुझे बताइए, क्या सोशल मीडिया, जैसे वो हमारे फ्रेंड जिन्होंने एक बार अपने पूछा था कि व्हाई शुड आई वोट, क्या सोशल मीडिया का आप भी इस्तेमाल कर रहे हैं क्वेश्चन करने के लिए, चेक करने के लिए कि आप रियली मैनिफेस्टोज भी पढ़ते हैं, क्या देखते हैं, कैसे देखते हैं? जी देखिए, सोशल मीडिया का बिल्कुल आजकल का यूथ हर कोई इस्तेमाल करता है, बस सोशल मीडिया रादर देन आपको क्लैरिफिकेशन देने के आपको कंफ्यूज ज्यादा करता है जी। ये मैं मेरा इसमें मैं बिलीव करता हूँ। तो एक वॉर फ्रंट हो चुका है, आपसे पूछना चाहूंगा, आप मुझे बताइए कि जैसे इन्होंने कहा कि सोशल मीडिया एक कंफ्यूज भी करता है, जैसे हमने बात करी कि सोशल मीडिया पे आजकल इतनी ज्यादा इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है तो आजकल एडवर्टाइजमेंट्स भी आते हैं जिसमें हमें क्लियरली ये चीज बोलते हैं कि व्हाट्सएप मैसेजेस पे आप प्लीज रूमर्स मत फैलाएं, ये सब चीजें। तो मुझे लगता है कि अवेयरनेस भी है यूथ, ऐसा नहीं है कि नहीं है। मुझे एक चीज बताइए कि आप देखते हैं कि जब प्रचार, जब भी इलेक्शन शुरू होता है उसके पहले प्रचार बड़ा सही हो जाता है हर तरफ से, मैसेजेस से, व्हाट्सएप पे, हर तरफ से, मान लीजिए जहाँ पे भी आप रह रहे हो उसके आसपास ढोल बगारे करके प्रचार हो रहा है, जो उसमें प्रचार हो रहा है, एक तरफ का प्रचार जो है वो कम हो रहा है।
तो आपको क्या लगता है जो वो प्रोमिसेस कर रहे हैं वो मैटर करते हैं, प्रचार से इतना फर्क नहीं पड़ेगा, इतना फर्क नहीं पड़ेगा, इनको नहीं पड़ेगा। अच्छा प्रचार मैं पूछना चाहूँ, किसको लगता है कि प्रचार से फर्क पड़ता, आप बोल चुकी हैं पहले एक बार, जी आप जी बोलिए बोलिए पीछे बताइए। सर आई थिंक एडवर्टाइजमेंट प्रचार ये जो भी करते हैं उससे फर्क पड़ता है, बट इंटेंसिटी इतना भी ना हो कि आप सिर्फ एडवर्टाइजमेंट पे ही फोकस करते रहे और लोगों को एक्चुअली अवेयर करने के लिए हाँ एडवर्टाइजमेंट होनी चाहिए, क्योंकि लोग इतने अवेयर नहीं है, रूरल एरियाज में उतने अवेयर नहीं है, एडवर्टाइजमेंट्स डू मैटर, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप सारा कुछ अपना जो फोकस है वो एडवर्टाइजमेंट्स पे ही रख लें। प्रोमिसेस जो है, पॉलिसीज जो आप करते हैं वो मैटर करते हैं कि वो इम्प्लीमेंट हो रही है या नहीं। बहुत ही सही बात करी उन्होंने जी, बिल्कुल धन्यवाद। मैं अब पूछना चाहता हूँ एक सवाल कि अब हम सब लोगों ने मुद्दों की बात करी, पर मेरा ये सवाल है कि अब समस्याओं से एक कदम आगे निकल के हम सॉल्यूशंस की बात करते हैं। आप मुझे बताइए कैसे हम वोटिंग बढ़ा सकते हैं। मान लीजिए कि हम वोट करने जाते हैं और दो पार्टी खड़ी है जी, पर हम कंफ्यूज हो जाते हैं। आज की यूथ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि इन्होंने कितना काम किया है। मान लिया कि दोनों ने उतना काम नहीं किया है तो हम समझते हैं कि हमें वोट नहीं करना चाहिए, जबकि नोटा सिस्टम भी है जिसमें हम none of the above option भी चूज कर सकते हैं। इन्होंने बड़ी अच्छी बात की कि जो कैंडिडेट सिलेक्शन है वो एक बड़ा इम्पोर्टेंट मुद्दा है। मैं चाहता हूँ 5 ऐसे यूरेका सजेशंस आए जिससे एक्चुअली मैं भी सीख सकूं, सब सीख सके और ये सजेशन हम इलेक्शन कमीशन को दे सके। मेरे अकॉर्डिंगली प्रचार की जगह अगर वो अपनी ग्राउंड रियालिटीज बताएंगे पार्टीज, वोटिंग रेट ज्यादा इंक्रीज हो सकता है। प्राइवेट कंपनीज वोटिंग काउंट बनाने के लिए वो भी बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं। जैसे अभी एक एड आई थी सेलिब्रेशन मंत्रा है, उन्होंने कहा था कि सोशल मीडिया पे अगर आप अपनी वोटिंग करके आप वो फोटो डाल रहे हो फैमिली के साथ तो फिर उस पे 10% ऑफ मिलेगा। तो ऐसे टैक्टिक्स यूज करके So, ये जो टैक्टिकल इन्होंने बोला है कि यू नो प्राइवेट कंपनीज किस तरीके से मोटिवेट कर सकती है, आप बताइए जी। सर जो बेस चीज है वो है अगर युवा की मानसिकता नहीं बदलेगी तो सर वोटिंग टर्नआउट कैसे बढ़ेगी। यूथ इज द फोर्थ पिलर ऑफ दिस कंट्री, ना कहीं इसमें गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट जो है युवा के साथ, गवर्नमेंट का कम्युनिकेशन जो है युवा के साथ, उसी की कमी के कारण भी। गुजरात में एक गाँव है बारेज गाँव, वहाँ पर 5 सालों में एक बार लगने वाला पोलिंग सिर्फ एक कैंडिडेट के लिए, सिर्फ एक कैंडिडेट के लिए जिसका नाम है महंत भारत दास, उनके लिए ब्यूटीफुल है। तो आपको ये होना चाहिए कि कितनी इम्पोर्टेंस एक वोट की। बहुत सही इन्होंने बात बोली और दिस इज अ ब्यूटीफुल पॉइंट मैडम, उन्होंने बड़ी अच्छी बात की, उससे अच्छी बात कह दीजिए फिर मैं एंड करूं। My suggestion is an incident which I share. My constituency is 1900 kilometers away from this place. 6 तारीख को इलेक्शन था, मैं गई हूँ वहाँ पे, मैं भी यूथ हूँ, ये नहीं करूँ कि मेरा एक वोट काउंट करता है नहीं करता है, बट द थिंग इज एज एन इंडिविजुअल वी हैव टू टेक एन इनिशिएटिव कि नो मैटर कोई भी आपकी डेडलाइंस फॉल करे उस एक दिन पे आपको जाकर वोट करना। आई अग्री कि लोकल सिनेरियो वहाँ सही नहीं है तो आई हैव टू ऑप्ट फॉर अ जॉब और एजुकेशन हियर, बट 5 सालों बाद भी वही सिनेरियो ना रहे तो आई हैव टू वोट। बहुत सही उन्होंने बात की और बिल्कुल अच्छी बात की कि मैं वोट करूंगा, हम वोट करेंगे, आपका हर वोट इम्पोर्टेंट है और याद रखिएगा कि आपके हर वोट से देश आगे या पीछे जा सकता है। मैं यही कहूंगा कि आप निकलिए और वोट करें और एक शपथ लीजिए मेरे साथ और लॉग ऑन करिए www.hondaactiveindia.com पे, या लॉग ऑन नहीं करना तो भाई मिस कॉल दे दीजिए 9870500111 पे, जरूर शपथ लीजिएगा। मैं शपथ ले रहा हूँ, ये सब लोग शपथ ले रहे हैं और आपको भी शपथ लेनी है जिससे हम सब मिलके इस देश का वोटिंग प्रतिशत बढ़ा सके। होंडा प्रेजेंट्स #ActiveIndia एक्टिवा की पहल के ललकार स्पेशल एपिसोड चंडीगढ़ चितकारा यूनिवर्सिटी में। मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।